यूपी के महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवा राजा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तब उड़ाई गईं जब ग्रामीणों को सूचना मिली कि गांव के पुराने तालाब के पट्टे का अवधि समाप्त हो गया है। फिर क्या था, बरवा राजा गांव में मछली निकालने के लिए पूरा गांव का गांव तालाब में उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, गांव के तालाब में उतर कर हर कोई ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ लेना चाहता है। मान लीजिए एक दो लोग इस पोखरी पर ले आए, उसके बाद देखा मुझे पूरे गांव में दोनों गांव फैल गया कि मतलब वहां पोखर का जो पट्टा था वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद 25-50 लोग आ गए, इसमें लगे मतलब मछली लेकर छानने लगे सब। उसके बाद फ़ोन हो गया, कोई फ़ोन कर तुम्हारे गांव का, पुलिस आ गई। उसके बाद अफरा तफरी मच गया, और 15-20 साइकिल है वहाँ पर, कोई मतलब जब्त किया गया है। कौन सा गाँव है ये? बरवा राजा है। क्या नाम है आपका? दिनेश वर्मा। नैब से हुआ है सर, वो मतलब नैब से देखा सब लोगों, किसी ने मतलब इसमें मतलब वो कुछ किया नहीं है, एक के बाद अपने आप लोग मतलब हिलते रहे। क्या हुआ, कैसे लोगों को जानकारी हुई? अब एक के बाद एक मतलब भीड़ लगाने लगे, इसलिए सबको देखा सब लोग मतलब पहले क्यों नहीं लूट होती थी आज तो? अब इसका समय ख़त्म हो गया होगा, इसलिए मतलब समाप्त हो गया। गाँव में जब सूचना मिली कि तालाब में मछली निकालने की छूट हो गई है, तो कोई छोटी मच्छरदानी लेकर, तो कोई बाल्टी लेकर, तो कोई डंडे ही लेकर तालाब में उतर गया और सभी मछली मारने लगे। ग्रामीण भूल गए कि कोरोना को लेकर पूरा विश्व जहां परेशान है, वहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने लगे और भूल गए कि उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह मछली मारने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो बरगदवा राजा कोतवाली क्षेत्र में आता है, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को यह बताया गया है कि जहां भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा है वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनवाना सुनिश्चित करेंगे। और वो तालाब भी काफी बड़ा है, इतनी ज्यादा वहां परेशानी नहीं है, फिर भी आगे उनको निर्देशित कर दिया गया कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने नहीं देंगे। और शासन की मंशा के अनुसार सभी जगह पे मास्क लगाना अनिवार्य है, और मास्क लगा के सब लोग चलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।